जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एचएसएन कोड के बारे में। एचएसएन कोड क्या होता है, कितने अंक का एचएसएन कोड होता है और एचएसएन कोड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। देखिए, जैसे इसके बारे में हम बात करें, सबसे पहले इसका मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है एचएसएन के बारे में। कोई एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और इस स्ट्रक्चर के मतलब से हमको समझना होगा कि एचएसएन क्या होता है और सेक कोड क्या होता है। मैंने सेक के बारे में बताया था, एसएससी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एचएसएन के बारे में बात करें तो एचएसएन का पूरा नाम होता है क्या लिखा हुआ, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और ये एचएसएन कोड जो लगता है वो जीएसटी के अंतर्गत ही लगता है। जैसे मान के चलिए कि ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब एक प्रकार के जीएसटी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत अभी हमारी चैप्टर चल रही है। और इस केस में अगर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करें तो इसमें किसी सर्विस को भी सप्लाई करने की बात कही गई है और किसी गुड्स को भी सप्लाई करने की बात कही गई है। तो अगर जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी गुड्स को सेल या सप्लाई करते हैं तो उस केस में सारे गुड्स का अलग अलग एचएसएन कोड प्रोवाइड किया जाता है। और एचएसएन कोड टोटल 5,000 ग्रुप का होता है। जैसे मान के चलिए अगर हम किसी गुड्स का नाम बताएं, जैसे मान के चलिए कि कीबोर्ड, तो कीबोर्ड एक ग्रुप हो गया, कीबोर्ड एक ग्रुप हो गया। उसकी कंपनी लेनोवो कंपनी का भी कीबोर्ड हो सकता है, डेल कंपनी का भी कीबोर्ड हो सकता है, एचपी कंपनी का भी कीबोर्ड हो सकता है, जेब्रोनिक्स कंपनी का भी कीबोर्ड हो सकता है, एसर कंपनी का भी कीबोर्ड हो सकता है, तमाम प्रकार की कंपनियों का कीबोर्ड हो सकता है। लेकिन अगर ग्रुप बनेगा तो केवल कीबोर्ड ही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब उस कीबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत मान के चलिए कि अगर कीबोर्ड ग्रुप है तो उसका कोड दे दिया गया, एज्यूम करिए 8514। क्या दे दिया गया कोड? 8514। तो 8514 जो कोड दिया गया उस कोड के माध्यम से, वो कोड हम कहीं पर भी लिखेंगे तो हम आसानी तरीके से ये डिफाइन कर पाएंगे कि ये जो कोड यहाँ पे लिखा गया है वो एचएसएन कोड किसका है, कीबोर्ड का ही है। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक कंपनियों का जो कीबोर्ड होता है, तो ग्रुप तो एक ही होगा कीबोर्ड, लेकिन कई सारी कंपनियों का मतलब उससे नहीं है, लेकिन एक ही ग्रुप होगा कीबोर्ड। अगर एचपी का होगा तो भी आप उसको कीबोर्ड ही बोलेंगे, इंटेक्स का होगा तो भी आप उसको कीबोर्ड ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? डेल का होगा तभी आप उसको कीबोर्ड ही बोलेंगे, बशर्ते कंपनी आपका चेंज हो सकता है लेकिन ग्रुप आपका चेंज नहीं हो सकता है। तो अभी इस समय तक मैं अगर बात करूं तो 5,000 प्रोडक्टों का ऐसा ग्रुप है, 5,000 आइटमों का ऐसा ग्रुप है जिसको गवर्नमेंट ने और डब्ल्यूसीओ ने जीएसटी के अंतर्गत एचएसएन कोड अलाउ किया हुआ है। अब एचएसएन कोड के माध्यम से जैसे मान के चलिए अगर हमारा बिजनेस, मान के चलिए कि अदर कंट्री में है, किसी और का बिजनेस दूसरे कंट्री में है, तो ऐसे बिजनेस हम करते हैं वहां पर भी जीएसटी देते हैं और यहाँ पर भी। तो जीएसटी के केस में अगर किसी गुड्स या किसी भी गुड्स को अगर हम सेल करते हैं तो उस केस में एचएसएन कोड जनरेट होता है। वो 4 अंक का, 6 अंक का आगे की क्लास में हम बता रहे हैं, वो एचएसएन कोड अप्लाई होता है किस पे, गुड्स पे। और किसके अंदर? तो जीएसटी के अंदर एक प्रकार का एचएसएन कोड लगता है जिसको हम लगाते हैं किस पे, किस पे लगाते हैं, गुड्स पे लगाते हैं। बस ओवरऑल आप इतना समझिए कि अगर किसी गुड्स को अगर परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उस केस में आपको जो है एचएसएन कोड आपको लगाना होता है। अब एचएसएन कोड आया कहाँ से? तो एचएसएन कोड देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 1988 में डब्ल्यूसीओ यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, इसको तैयार किया गया। और एक प्रकार का कोड होता है जो अनेक प्रकार के प्रोडक्टों के ग्रुप पे लगाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि कीबोर्ड होगा तो कीबोर्ड का अलग ग्रुप है, मतलब कीबोर्ड एक अलग ग्रुप हो गया तो उसका अलग कोड आ गया। माउस है तो माउस का भी एक अलग कोड आ गया। समझ में आ रहा है ना? प्रिंटर है तो प्रिंटर का भी अलग कोड आ गया। इस तरीके से अलग अलग ग्रुपों का अलग अलग कोड निर्धारित किया जाता है। जो ये कोड निर्धारित कौन करता है? तो डब्ल्यूसीओ करता है। जैसे मान के चलिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यूएचओ है, पता है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन उसका पूरा नाम होता है। तो वो कंट्रोल करता है स्वास्थ्य सुविधाओं को, लेकिन ये जो कंट्रोल करता है ये जीएसटी में कंट्रोल करने का काम करता है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे जो टैक्स लगता है
जो उसमें कोड अप्लाई होता है उसको, मतलब जो होता है डब्ल्यू कस्टम, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये कब लॉन्च किया गया, तो 1988 में लॉन्च किया। अब ये क्यों लगाया जाता है, तो अगर 4 अंक का कोड अगर आपको केवल बताया जाए 8514, तो आप समझ सकते हैं कि ये कीबोर्ड का है। समझ में आ रहा है ना, हर एक प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं, चाहे परचेज करते हैं, तो जब हम HSN कोड उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो हमको आइडिया मिल जाता है कि ये कोड के अंतर्गत कौन सा हमारा ग्रुप आएगा। आसानी तरीके से हमको समझने में आसानी मिल जाता है। लेकिन ये कोड आपको ऐसा नहीं कि आपको खोजना पड़ेगा, जब प्रोडक्ट की आप एंट्री करेंगे तो HSN कोड वगैरह सब आपके बुक में दिया रहेगा, जैसे मन कर आपको चेक करवाया था। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब बात आती है किसकी, सेक की। अब देखिए, अगर हम बात करें तो पूरे, अगर हम गुड्स हैं, गुड्स के बारे में हम बात करें, तो गुड्स में पता है कितना गुड्स है, बहुत सारा गुड्स है, लेकिन उसका 5000 ग्रुप बनाया हुआ है। आप कंपनी में 2 लाख भी कंपनी ले लीजिए, मतलब उससे नहीं है, लेकिन ग्रुप तो मात्र 5 ही हजार होगा। कंपनी हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या ग्रुप चेंज होगा, तो ग्रुप को 5000 निर्धारित किया गया। जैसे मान के चलिए हमारा प्रिंटर हो गया, आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, तमाम प्रकार के आप बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका अलग अलग ग्रुप बनता है, और 5000 ग्रुप के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को रखा गया है। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम अलग हो सकता है, कंपनी नेम अलग हो सकता है, लेकिन ग्रुप हमारा चेंज नहीं हो सकता। तो ग्रुप लगता है, ग्रुप पे जे अब 5000 ग्रुप से हमको लगाते हैं क्या, HSN कोड लगाते हैं, और HSN कोड लगाया जाता है गुड्स पे, यानी कि मतलब वस्तुओं पे लगाया जाता है। समझ में आया। अब चलिए, अब इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था सर्विस अकाउंटिंग कोड के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, और इसको शॉर्ट में SAC के नाम से जाना जाता है, और ये लगता है किस पे, सर्विसेज पे लगता है। बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेट के चार्जेस दिए जा रहे हैं आपको, एक प्रकार की सर्विसेज है, ठीक है, फोन की सुविधा आपको दिया जा रहा है, एक प्रकार की सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज में भी बहुत सारे सर्विसेज आते हैं। और सर्विस में जो हम कोड अप्लाई करते हैं उसको HSN के नाम से नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं, और उसको शॉर्ट में SAC के नाम से जाना जाता है, इसको सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से जाना जाता है। तो बस दोनों में अंतर आप ये समझिए, क्योंकि GST का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि इसमें गुड्स भी शामिल होता है और प्लस आपको सर्विस भी शामिल होता है। तो गुड्स पे लगाया जाता है HSN कोड, और सर्विस पे लगाया जाता है SAC कोड, जिसको सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए, इसमें और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए देखिए, GST के अंतर्गत अगर किसी गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, GST के अंतर्गत अगर किसी गुड्स या सर्विस को परचेज, सॉरी, अगर GST के अंतर्गत किसी गुड्स को परचेज या सेल करते हैं, तो उस केस में HSN कोड जनरेट होता है, HSN कोड लगाया जाता है। और देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST के अंतर्गत अगर किसी सर्विस को परचेज या सेल करते हैं, तो आपको SAC प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम यहाँ से समझ लेते हैं, क्योंकि इसलिए इसको मैंने इसमें बना करके बताया था कि आपको अगर इतना मैसेज पूरा पढ़ने में समझ में आ जाएगा तो सही है, नहीं तो आप आसानी तरीके से इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसको ना हो तो कॉपी में नोट कर लीजिए, आप समझने के लिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, हेडिंग बना लीजिएगा, कंपैरिजन बिटवीन HSN एंड SSE इन GST। अच्छा, देखिए, जैसे यहाँ पे HSN के बारे में दिया हुआ है, HSN कोड के बारे में क्या लिखा है, कह रहा है कि HSN कोड इन GST, यानी कि GST में HSN कोड, कह रहा है कि इन GST, कह रहा है कि रिगार्डिंग इच इनवॉइस विल हैव टू मेंशन HSN कोड फॉर इच आइटम सोल्ड आर SSE कोड ऑफ इच सर्विसेज प्रोवाइड, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो GST में जो है, जो GST के बिल में कह रहा है कि जो मेंशन किया जाता है HSN कोड और SSE कोड, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में, तो वो कह रहा है कि जो SSE कोड लगता है वो आपका सर्विस पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और HSN कोड जो लगता है वो आपके गुड्स पे प्रोवाइड किया जाता है। और फिर कह रहा है कि HSN का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर इज ए मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर
डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि जो HSN होता है, कह रहा है कि मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट में क्या कह रहा है, नॉन क्लेचर, यानी कि मल्टीपर्पज, जैसे बहुत सारे ऐसे पर्पज के मतलब हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, यानी कि WCO ने, WCO का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन ने HSN कोड जनरेट किया है। और फिर कह रहा है कि इन इंडिया, अपने भारत देश में कह रहा है कि HSN कोड इज करेंटली यूज अंडर एक्साइज कस्टम्स एंड स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स लॉज एंड इज नाउ आल्सो प्रोवाइडेड टू बी यूज अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट गुड्स। कह रहा है कि अपने भारत देश के अंदर GST के अंतर्गत अगर हम किसी भी गुड्स को अगर हम सेल करते हैं तो HSN कोड होता है। अब वो एक प्रकार का आपका वैल्यू एडेड टैक्स भी आता है, इसमें एक्साइज भी आता है, कस्टम भी आता है और स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स भी आता है। और कह रहे हैं कि आल्सो पर्पज टू यूज अंडर गुड्स एंड सर्विस, जिसका बहुत ज्यादा पर्पज, जिसका बहुत ज्यादा उद्देश्य होता है GST के अंतर्गत। और कह रहे हैं कि लॉ यानी कि नियम के अनुसार फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि उसको वर्गीकृत किया गया है प्रोडक्ट और गुड्स का। और कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स अराउंड, जिसको इंक्लूड किया गया है, अराउंड मतलब 5000 के अंदर, कह रहा है कि कमोडिटी ग्रुप्स, यानी कि 5000 ग्रुप्स के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है, इसको रखा गया है। फिर कह रहा है कि इच रिकॉग्नाइज बाय ए 6-डिजिट कोड, जिसको हम पहचानते हैं, जिसको हम ये जानने का काम करते हैं 6-डिजिट की कोड के माध्यम से। और कह रहा है कि ऑर्गेनाइज इन लीगल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इज सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड रूल टू अचीव यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 6-डिजिट कोड होता है उसके माध्यम से, कह रहा है कि एक प्रकार का आपका लीगल कोड होता है और एक प्रकार की लीगल स्ट्रक्चर होती है, और कह रहा है कि ये सपोर्ट करता है, और कह रहा है कि डिफाइन रूल यानी कि हमारे रूल को डिफाइन करने में, और टू अचीव इन फॉर्म यानी कि हमको कुछ अचीव करने में, क्लासिफिकेशन किसी का वर्गीकरण करने में। और फिर कह रहा है कि द सिस्टम इज यूज्ड बाय मोर देन 200 कंट्रीज एंड इकोनॉमिक्स एज बेसिस ऑफ देयर कस्टम्स ट्रैफिक एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स। इसमें बताया जा रहा है यह जो सिस्टम है, कह रहा है कि यूज किया जा रहा है आज 200 कंट्री से ज्यादा। और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब आर्थिक रूप से, जो मान के चले कि जो अत्यधिक आर्थिक रूप में, कह रहा है कि बेसिस ऑफ देयर कस्टम यानी कि अपने कस्टम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने GST के अनुसार, कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कह रहा है कि मोर देन 90% ऑफ द मर्चेंडाइज एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज अरेंज्ड इन टर्म ऑफ द HSN। कह रहा है कि इसको 90% मतलब व्यवसायी लोग या फिर मान के चलिए कि बिजनेसमैन लोग इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनियों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, एक प्रकार का HSN कोड होता है। अब कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर HSN अंडर GST, अब जैसे किस कोड को आप बोलेंगे कि HSN कोड है, 2 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है, 6 अंक का भी हो सकता है और 8 अंक का भी हो सकता है, लेकिन सब में अंतर आपको समझना होगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि 2-डिजिट HSN कोड फॉर गुड्स, यानी कि मात्र 2 अंक का HSN कोड हो भी किसके लिए, गुड्स के लिए। तो कह रहा है द टैक्स पेयर विथ टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़ इन द प्रेसेंडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ऐसा कोई बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस में टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो कह रहा है कि नीड टू स्पेसिफाई HSN कोड, इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाता है क्या करने के लिए, HSN कोड के लिए। कह रहा है कि ओनली एट 2-डिजिट चैप्टर लेवल एज ऑप्शनल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ GST ऑपरेशन, यानी कि इसके लिए मात्र 2 डिजिट का कोड जनरेट करना होता है। किसके लिए, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, और सॉरी 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में अगर इसकी ट्रांजेक्शन होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको 2 डिजिट का क्या किया हो जाता है, वो 2 अंक का HSN कोड जनरेट करता है। रेगुलर डीलर में मैंने पढ़ाया था ना, रेगुलर डीलर इसके अंतर्गत आएगा। और कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैकेनिज्म स्पेसिफाई 2 डिजिट्स पार्ट लेवल HSN कोड विल बी कंपलसरी फॉर ऑल टैक्सेबल इंडिविजुअल विथ ए टर्नओवर बिटवीन ₹15 करोड़ एंड 5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कह रहा है कि इसके लिए कंपलसरी होता है
और टैक्सेबल इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जिसपे टैक्स लगा हुआ है और उसके लिए टर्नओवर लिया गया है, यानी कि 15 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तो वो 2 अंक का एचएसएन को जनरेट करके दे सकता है। मतलब आप इतना समझिए कि अगर 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, टर्नओवर हो रहा है, तो वो व्यक्ति 2 अंक का एचएसएन कोड जनरेट करेगा। समझ में आया? अब चलिए इसके पास लिखा हुआ है कि 4 डिजिट किसका होता है। 4 डिजिट का मतलब 4 अंक किसके लिए होता है। तो कह रहा है कि एचएसएन कोड ऑफ 4 डिजिट विल बी मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रेसेंटिंग फाइनेंशियल ईयर। हैविंग का मतलब भारी। कह रहा है कि ऐसा कोई बिजनेसमैन है जिसका वो जो टैक्स पेयर करता है, वो जो टर्नओवर करता है 5 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए 4 अंक का एचएसएन को जनरेट करना होता है। जो 5 करोड़ से क्या है ज्यादा, मोर देन दे रहा है ना, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा अगर जिसकी टर्नओवर होती है वो 4 अंक का क्या करता है एचएसएन कोड प्रोवाइड करता है। और फिर कह रहा है कि टर्नओवर विल बी कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पेयर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर अंडर जीएसटी। द टर्नओवर ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर विल बी कंसीडर फॉर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ 4 डिजिट एचएसएन कोड। यानी कि कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करता है, उसके लिए ये कह रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत उसके लिए नियम बनाया गया है कि आपको एचएसएन कोड 4 अंक का जनरेट किया जाए। समझ में आ रहा है ना, जिसको कंसीडर किया जाता है, जिसको देखा जाता है और जिसकी निर्धारण होती है, मात्र 4 अंकों से निर्धारण किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है। अब चलिए 8 डिजिट किसके लिए है, 8 नंबर किसके लिए है। तीनों में अंतर समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि जब जाएंगे एंट्री करने तो मांग रहा है 8 अंक का तो लेंगे 2 अंक का तो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, और अधिकतर एचएसएन कोड गलत हो जाता है तो जीएसटी नहीं उठाता है। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है 8 डिजिट किसके लिए होता है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात और निर्यात। कह रहा है कि एचएसएन कोड ऑफ 8 डिजिट इज मैंडेटरी केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर कोई ऐसा व्यवसायी है, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे अपने देश में मान के चलिए कि कोई बिजनेसमैन है और किसी अन्य देश को गुड सप्लाई कर रहा है या सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, तो ऐसे बिजनेसमैन को 8 अंक का एचएसएन कोड क्रिएट करना होगा। तीनों में अंतर समझ में आया? बोलिए, पहला क्या है, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तो 2 अंक का एचएसएन कोड जनरेट करेगा, और 4 अंक उसके लिए है जिसका टर्नओवर 5,000 से सॉरी 5 करोड़ से ज्यादा हो, वो 4 अंक का क्या करेगा एचएसएन कोड जनरेट करेगा। लेकिन 8 अंक का वही कर सकता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, यानी कि जो आयात और निर्यात करता है। और अक्सर ऐसा होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने देश से माल किसी और देश में भिजवाते हैं या वहां से माल यहाँ तक मंगवाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 8 अंक का डिजिट कोड एचएसएन कोड दिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को, यही एचएसएन होता है। और फिर लिखा है इन द केस ऑफ इंपोर्ट, एंड कह रहा है कि इन द केस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एचएसएन कोड ऑफ 8 डिजिट शैल बी कंपलसरी एज जीएसटी हैज टू बी कंपेटिबल विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड चेक एंड डाउनलोड एचएसएन कोड फॉर प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि स्मॉल डीलर्स अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड इन देयर इनवॉइस। यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि इस केस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर किसी प्रोडक्ट का हम करते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी होता है, उसके लिए अनिवार्य होता है, उसके लिए कंपलसरी होता है कि आपको 8 अंक का डिजिट कोड, यानी कि 8 अंक का एचएसएन कोड आपको निर्धारित है, कि आपको 8 अंक का निर्धारित कोड आपको देना ही देना है। और फिर कह रहा है कि जो कि जीएसटी के अंतर्गत होता है, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि चेक, यानी कि चेक करिए और डाउनलोड करिए एचएसएन कोड को फॉर द प्रोडक्ट के नाम से, यानी कि प्रोडक्ट को सर्च करिए और उसका एचएसएन कोड डाउनलोड करिए। इसमें बताया जा रहा है कि स्मॉल डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो स्मॉल लेवल का डीलर है और वो अपना बिजनेस कंपोजिशन डीलर में किया है, अपना बिजनेस कंपोजिशन स्कीम में कराया है, तो उसके लिए एचएसएन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। समझ में आ रहा है ना, कंपोजिशन के लिए कोई एचएसएन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर बिजनेसमैन है, कंपोजिशन में कराया है, तो उसको एचएसएन भरना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना,
और कह रहा है क्या लिखा हुआ है, नॉट बी रिक्वायर्ड, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है एचएसएन कोड इन देयर इनवॉइस, यानी कि उसके इनवॉइस पे एचएसएन कोड का कोई मतलब नहीं। अब देखिए फिर कह रहा है कि एचएसएन विल बी मेंशन इन इनवॉइस एंड मेंशनड इन द जीएसटी टैक्स रिटर्न डिटेल्स व्हिच विल बी अपलोडेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब देखिए मेन वर्क क्या होता है एचएसएन कोड, तो कह रहा है कि एचएसएन विल बी मेंशन इन इनवॉइस, एचएसएन को मेंशन किया जाता है किसमें, इनवॉइस में, और कह रहा है कि एंड द, कह रहा है कि एंड मेंशन इन द जीएसटी टैक्स रिटर्न डिटेल्स, यानी कि जब जीएसटी का टैक्स रिटर्न वगैरह भरा जाता है उस केस में मेंशन अगर किया गया होता है एचएसएन कोड तो हमको सुविधा रहती है जीएसटी रिटर्न भरने में। और फिर कह रहा है कि विच विल बी अपलोडेड ऑन द जीएसटी पोर्टल, जिसको हम अपलोड करते हैं किस पे, जीएसटी के पोर्टल पे। और फिर लिखा है स्मॉल बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। और फिर कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन द बिजनेस टैक्स पेयर विल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड ऑफ द गुड्स एंड डील्स विद ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब ये कह रहा है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं या जब हम क्या करते हैं, मान के चले कि जब हम जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो उस केस में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एचएसएन कोड की। और फिर कह रहा है कि सर्विस विल बी क्लासिफाई एज पर द सर्विसेस अकाउंटिंग कोर्स, और सर्विस किसके लिए होता है, एसएससी किसके लिए होता है, तो जब हम सर्विस को गुड्स या परचेज कर सेल या क्या करते हैं परचेज करते हैं, जब किसी सर्विस को सेल या परचेज करते हैं तो उस केस में सर्विस अकाउंटिंग कोड लगाया जाता है। और कह रहा है कि देयर इज सर्विस अकाउंटिंग कोड यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज टैक्स, और जो सर्विस कोड होता है वो गवर्नमेंट के माध्यम से इशू किया जाता है, और कह रहा है कि किसके लिए, फॉर सर्विसेज टैक्स के लिए, यानी कि जो सेवाओं के लिए जो टैक्स होता है उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस अकाउंटिंग कोड लगाती है। और फिर कह रहा है कि दिस इज एक्सेप्टेड टू रिमेन द सेम इन जीएसटी, क्या कह रहा है, रिगाइम एज वेल, यानी कि कह रहा है कि ये भी एक प्रकार की सेम जीएसटी होता है और इसको भी हम आसानी तरीके से उस पे लगाने का काम करते हैं। कोई दिक्कत है? मैंने बस सर्विस अकाउंटिंग कोड के बारे में पढ़ाया और जीएसटी के बारे में पढ़ाया, सॉरी किसके बारे में, एचएसएन के बारे में पढ़ाया। एचएसएन का प्रयोग किस पे किया जाता है, गुड्स पे किया जाता है, और सर्विस अकाउंटिंग कोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्विसेज पे किया जाता है। ये दोनों आप लोग घर से पढ़ के आइए, पूरा हम पूछेंगे। वैसे तो मैंने मंडे को पूछने के लिए बोला ही है टेस्ट के लिए, उसमें ये सारा क्वेश्चन हमारा शामिल होगा, ठीक है ना। एचएसएन कोड कब, कितने अंक का, कौन जनरेट करता है, ये तो क्वेश्चन पहले आया, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, आईटीसी इसमें लिखा हुआ है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म, आईटीसी के बारे में पढ़ाया है। आईटीसी किसके लिए होता है, बोलिए व्हाट इज आईटीसी, आईटीसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, खड़े डॉक्टर दीप, व्हाट इज आईटीसी, परचेज भी करे सेल भी करे, सबसे पीछे खड़े जाओ मिस्टर, कल नहीं आए थे क्या, आईडी कार्ड वहां कहां है, बताओ क्या होता है आईटीसी मिस्टर, टाइम नहीं है जल्दी बताओ, फिर हमारे द्वारा तुम्हारे द्वारा, खाली हमारे द्वारा बोलते हो, तुम्हारे द्वारा नहीं बोलते, उसके बगल में खड़े हो जाओ मिस्टर, आईडी कार्ड तो लगाओ कि कहना पड़ेगा, स्पेशल हो तुम लोग, मंडे को हम बताते हैं, मंडे को जिसका आईडी कार्ड नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, बताओ क्या होगा आईटीसी के बारे में बताओ, तुम बताओ मिस्टर आईटीसी क्या होता है, हम कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, 9 दिन का कथा चल रहा है, उदय आईटीसी क्या होता है,
आप बताओ अंजलि, आईटीसी क्या होता है? तो इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाओ, जैसे क्या होगा आईटीसी? उदय कोई एग्जांपल बताओ, आईटीसी को हम कैसे समझ सकते हैं एग्जांपल के माध्यम से? बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल के साथ साथ मैंने उसमें बताया था आईटीसी। अंशिका तुम बताओगी? बैठ जाइए। वो सही था, डिफिनेशन सही था। देखिए इसको हम कैसे सही समझेंगे। पहले जब किसी गुड्स या सर्विस को परचेज किया जाता है जीएसटी के अंदर, तो उस केस में आईटीसी प्राप्त होती है। जैसे 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रेट 100 रुपया है और हम खरीदने गए तो प्रोडक्ट हमको मिला कितने रुपए में? 100 रुपया। और 5 रुपया हम उसको टैक्स के रूप में जमा कर रहे हैं, तो उसको हम 5 रुपया हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार की आईटीसी हम दे रहे हैं। और वही टैक्स लाइबिलिटी कब बढ़ती है? जब किसी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, तो हमारे लिए आईटीसी होता है और दुकानदार के लिए टैक्स लाइबिलिटी होता है। मैंने पढ़ाया था। तो देखिए, अगर हम अपने सप्लायर से किसी गुड्स को या सर्विस को परचेज करते हैं, तो हमको टैक्स हमको जो है आईटीसी प्राप्त होती है। और वही अगर कोई दुकानदार है, कोई कस्टमर है, और जैसे मान के चलिए कि अगर कोई सेल कर रहा है किसी कस्टमर को, तो उस केस में टैक्स लाइबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और वही इसमें लिखा हुआ है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म, कह रहा है कि आईटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का बेसिक फीचर्स है। इसमें बताया जा रहा है कि आईटीसी का जो बेसिक, कह रहा है कि सीमलेस जो क्या है फ्लो जीएसटी है, उसका कह रहा है कि बेसिक फीचर्स है जिसके अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है। जैसे टैक्स कौन देता है? कस्टमर ही तो देता है ना, कंज्यूमर ही तो देता है ना, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, कंज्यूम करता है। हम ही और आप टैक्स देते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टैक्स देते हैं, तो वही टैक्स को कलेक्ट करके और वो बड़े टैक्स जब हो जाते हैं तब वो ले जाकर के क्या कर देता है, जमा कर देता है, वो जीएसटी रिटर्न भर देता है। तो कह रहा है कि क्योंकि लास्ट मंथ की कह रहा है कि रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई आईटीसी और करंट मंथ की आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है और फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो कह रहा है कि टैक्स पेयर को इस मंथ कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ता। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना डायग्राम के माध्यम से कि कब आपको भरना है और कब आपको एडजस्टमेंट करना है, याद है? नहीं याद है? मैंने नहीं बताया था कि कब आपको जीएसटी भरना होता और कब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं अब आप भरना नहीं है, अब एडजस्टमेंट करना होगा। मैंने पढ़ाया था, तो वही उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि बेसिक फीचर्स है जिसके अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है, क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई आईटीसी और करंट मंथ की आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है। तो देखिए लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद मतलब लास्ट मंथ 31 मार्च, कह रहा है कि जब हम जीएसटी भरते हैं तो कह रहा है कि लास्ट मंथ में जब हम जीएसटी भरते हैं तो शेष बची हुई जो आईटीसी होती है और करंट मंथ की जो आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है और फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। यानी कि करंट मंथ में जितना प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं या जितना आप सर्विस को सेल करते हैं और उससे जितना टैक्स लायबिलिटी आपको प्राप्त होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और कह रहा है कि अगर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कह रहा है कि अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई, जैसे मान के चलिए आपने खरीदा 100 रुपया में और आपने बेचा 200 रुपया में, तो 100 रुपये का अंतर आ रहा है ना, तो आईटीसी से टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हुआ कि कम हुआ? आप बताइए, किसी प्रोडक्ट को इसमें लिखा है, बात नहीं, इसमें लिखा है कि आईटीसी टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हुई, तो जैसे मान के चलिए आपने किसी प्रोडक्ट को 200 रुपये में खरीदा था, ध्यान से समझिएगा, आपने किसी प्रोडक्ट को 200 रुपये में खरीदा था और कह रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हुई और बेचा था कितने रुपए में, 300 रुपया।
आपने खरीदा मान के चलिए कि 200 रुपया में और बेचा आपने 100 रुपया में, तो टैक्स लाइबिलिटी से आईटीसी 100 रुपया ज्यादा हो रहा है ना। तो इस केस में कह रहा है अगर टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ में कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, देखिए इसको पहले ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए आपको आईटीसी प्राप्त हुआ 100 रुपया, कितना 100 रुपया। इसमें बताया जा रहा है कि आईटीसी टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हुई और मान के चलिए कि आपने बेचा कितने रुपए में, 50 रुपये, तो बेचा तो क्या इसको हम टैक्स लाइबिलिटी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? आईटीसी बोल सकते हैं। तो कौन ज्यादा है और कौन कम है? आईटीसी ज्यादा है, टैक्स लाइबिलिटी कम है। वही बात इसमें कहा जा रहा है कि अगर आईटीसी टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। अब कितना बचा? 50 रुपये। तो ये टैक्स लाइबिलिटी का जो पैसा होगा करा है यहाँ पे, जो टैक्स पेयर होगा इस मंथ में कोई टैक्स जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। और कह रहा है कि शेष बची हुई आईटीसी, ये क्या बचा है? अच्छा आईटीसी इतने तो बचा हुआ है, शेष जो आईटीसी में से 50 रुपया जो हमको बचा हुआ है वो कह रहा है कि अगले मंथ की टैक्स लाइबिलिटी के साथ क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। और कह रहा है कि अगर आईटीसी कम पड़ जाती है तो टैक्स जमा करना होता है। जैसे इसी को आप मान लीजिए, आपने जो है 100 रुपये में आपने बेचा और 50 रुपये में आपने खरीदा, आपने खरीदा था 50 रुपया में और बेचा आपने 100 रुपया में, तो अब देखिए टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हुआ और आईटीसी क्या हो गया? आईटीसी कम हो गया। तो जब आईटीसी कम हो गया और टैक्स लाइबिलिटी आपका ज्यादा हो गया तो कह रहा है कि आईटीसी कम पड़ जाती है तो टैक्स जमा करना होता है। अब इस केस में आपको टैक्स क्या करना है? जमा करना है। और इस टैक्स में आपका टैक्स लाइबिलिटी जो बचा हुआ है, जो आईटीसी आपका बचा हुआ है, वो अगले महीने एडजस्टमेंट आपका किया जाता है। बस दोनों में यही अंतर है। अगर आईटीसी ज्यादा है किससे? टैक्स लाइबिलिटी से, तो ये पैसा एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर आईटीसी कम है किससे? टैक्स लाइबिलिटी से, तो उस केस में पैसा आपका टैक्स आपका भरा जाता है। बस दोनों में यही अंतर आपको समझना है। ये मैंने आपको बताया था ना, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कब आईटीसी भरना होता है, कब टैक्स लाइबिलिटी आपको बराबर होता है, सेटलमेंट करना होता है, वही ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे बताया हूँ। तेरे को